उत्तराखंडे आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करिछि। अवसरप्राप्त कर्नेल अजय कोटियाल को दल मुख्यमंत्री प्रार्थी करिछि। डेराडून आयोजित दलय कार्यक्रम घोषणा करिछन्ति आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड को धार्मिक राजधानी भाव गढ़ी तोलिबा सहित राज्य में युव गोष्ठी को किभली अधिक रु अधिक नियुक्ति दि जापर से नहीं बड़ घोषणा करिछन्ति अरविंद केजरीवाल। देवभूमि के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आज इतना हॉल ये खचाखच भरा है और मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों लोग टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे, उन सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए, क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का, लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए, हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं, अब इन नेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहके देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी दो गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं,
उन दो गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। भुवनेश्वर स्मृति रेखा पाणिग्रह की रिपोर्ट, संस्टार टीवी।